एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो बिजगज वोल्टेज होती है 6 पिन IC से कैसे बन सकती है, प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दो पार्ट बनेगा, जो पहला पार्ट बनेगा थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिकली में उस तरीके से कॉम्पोनेंट लगा होगा। और देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे फाल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, और जो पार्ट वन में बनेगा जो प्रैक्टिकली में सामान लगा होगा उसको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं और कैसे कैसे पता लगा सकते हैं कि जो बीजीएच वोल्टेज है 6 पिन IC से कैसे कैसे बन रही है। कोई भी टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है कैसे पता लगा सकते हैं पार्ट वन में कि जो पार्ट वन में है कैसे पता लगाएं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटर क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या क्या उसके अंदर लगा है। इसका दो पार्ट बनेगा, जो पहला पार्ट बनेगा प्रैक्टिकली में क्या क्या कंपोनेंट लगा है वह देखने को मिलेगा, और पार्ट जो बनेगा प्रैक्टिकली आप लोगों को ट्रेस करके दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे ट्रेस करें। पार्ट वन में पूरी कंपोनेंट लगी है प्रैक्टिकली में होगी, उसको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो बीजीएच वोल्टेज होती है 6 पिन IC से कैसे बन सकती है, ये जो है पार्ट वन है। आपके देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पार्ट टू, ये थ्योरी है, यानी पार्ट टू में जो होगा प्रैक्टिकली में इस तरीके से कंपोनेंट लगा होगा जो आप लोगों को पार्ट टू में देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को समझाएंगे कि जो बीजीएच वोल्टेज है 6 पिन IC से प्रैक्टिकली में जो सामान लगा होगा कैसे बन सकता है, जो 6 पिन IC से बीजीएच वोल्टेज बनेगा उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे कैसे पता लगा है आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। बीजीएच वोल्टेज बनने के लिए फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज ABDD वोल्टेज बनना जरूरी है, जब तक ABDD वोल्टेज बनेगा नहीं बीजीएच वोल्टेज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ABDD का दुगना ही बीजीएच वोल्टेज होता है। बीजीएच वोल्टेज तब तक नहीं बनेगा जब तक ABDD वोल्टेज नहीं बनेगा। आप लोगों को कभी कभी देखने को मिलेगा सर्किट में ये जो 6 पिन की IC होगी जो ABDD वोल्टेज होगी डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगी, तो आप लोग कहेंगे कि बीजीएच वोल्टेज कैसे बनेगा, तो वो भी बनेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, अगर आप लोग पूरा वीडियो यह देख लेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर डायरेक्ट यहाँ ABDD वोल्टेज नहीं आ रही है तब बीजीएच वोल्टेज कैसे बन रही है। जब भी बीजीएच वोल्टेज बनेगा ABDD वोल्टेज बनने के बाद ही बीजीएच वोल्टेज बनेगा, उस हिसाब से सर्किट में मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि बीजीएच वोल्टेज बनाने के लिए कुछ वोल्टेज उसका आधा वोल्टेज चाहिए जो ABDD वोल्टेज के पास होती है, और ABDD वोल्टेज पास होने से ही ABDD वोल्टेज से ही बीजीएच वोल्टेज बन जाती है। इस तरीके से ये सर्किट होता है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है कैसे पता लगाएं, मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में रखेंगे, मल्टीमीटर का प्रोब हम बीजीएच टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे, एक प्रोब यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे खोजेंगे अगल बगल कंपोनेंट कहाँ है। मान लीजिए इस पर बीप की आवाज दिया, इससे ये पता चल गया कि ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, उस पर देखेंगे कहाँ पर बीप बजता है, उसके बाद कैपेसिटर पर बीप बजता है, देखेंगे उसका दूसरा सिरा ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये फिल्ट्रेशन वाला है, फिर डीसी बनाकर जो रिपल होगा पास कर देगा और बीजीएच वोल्टेज का निर्माण होगा। एक प्रोब लगाएंगे और फिर देखेंगे एक कैपेसिटर और लगा है, फिर कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा होगा देखेंगे ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड, इससे ये पता चल गया कि ये प्योर डीसी बनाकर यहाँ बीजीएच वोल्टेज देगा, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगा है। टेस्ट पॉइंट से यहाँ पर रखकर देखेंगे, फिर कहीं बीप की आवाज देता है, फिर देखेंगे हाँ बीप की आवाज देता है, एक रजिस्टर लगा है इसको बीप की आवाज देता है, फिर देखेंगे इसका दूसरा सिरा कहाँ है, हाँ ग्राउंड है, इससे ये पता चल गया कि जो बीजीएच वोल्टेज बन रहा है फिल्ट्रेशन से होते हुए ये सेंस करके यहाँ पर बीजीएच वोल्टेज बनाया जा रहा है, और ये जो 0 ओम का रजिस्टर लगा है ये क्या करेगा, ये फ्यूज का काम करेगा। ग्रिड लाइन में कहीं शॉर्टिंग है तो उस समय क्या हो सकता है, फ्यूज का काम करे, डीसी ऐसी डैमेज हो सकता है। इनपुट और आउटपुट में शॉर्टिंग होने से जो 0 का रजिस्टर लगा है ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट पॉइंट से लगाने के बाद भी नहीं देता है, सभी कंपोनेंट पर लगाएं बीप नहीं देता है, ऐसी पिनों पर लगाएंगे मल्टीमीटर का प्रोब इस पर बीप देता है, इससे ये पता चल गया कि इस आईसी से ही आउट होकर यहाँ बीजीएच वोल्टेज जा रहा है। अगर इस आईसी के पिन से आउट यहाँ पर आ रहा है तो 100 में से 100% इसी आईसी को इनपुट मिलेगा, और जो बीजीएच वोल्टेज बनना होगा, जो ABDD वोल्टेज बनना होगा, इससे रिलेटेड जो होना है इधर इनपुट में होगा, उसके बाद इसी आईसी से आउट होकर बीजीएच वोल्टेज बनेगा, इससे ये पता चल जाएगा। यानी बीजीएच वोल्टेज अगर इस आउट निकल
निकलता है स्क्रीन से, तो इसमें इनपुट भी होगा एवीडीडी वोल्टेज, और एवीडीडी वोल्टेज इनपुट होने के बाद यहाँ पर चार्जिंग पंप कैपेसिटर भी लगा होगा, क्योंकि बिना बूस्टिंग का यहाँ वीजीएच वोल्टेज बढ़ाया नहीं जा सकता है। मल्टीमीटर को बजट रेंज में आईसी के पिन पर रखेंगे और देखेंगे किस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है, कहीं बीप की आवाज नहीं देता है। फिर मल्टीमीटर को बीप रेंज में ही चेक करेंगे, हाँ इस आईसी के पिन पर बीप देता है यानी हाँ देता है, तो ये दो पिन आपस में कनेक्ट है इससे ये पता चल जाएगा। रखने के बाद और देखेंगे कहीं बीप की आवाज कंपोनेंट में देता है, कैपेसिटर लगा है बीप की आवाज देता है। उसका दूसरा सीधा देखेंगे बजट रेंज नहीं ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड है, इससे ये पता चल गया जो यहाँ मेंटेनेंस होना है उस हिसाब से अगर यहाँ चार्जिंग स्टोरेज होगा तो आईसी ये समझेगी, उस हिसाब से ये डीसी टू डीसी आईसी से सेंस करके देखा जाएगा। अब देखेंगे इधर का पिन कहाँ कहाँ कंपोनेंट लगा है, एक नंबर पर रखेंगे और मल्टीमीटर को बजट रेंज में रखेंगे और देखेंगे किस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है, किस तरीके से लगाएंगे, जितनी कंपोनेंट लगी है एक कैपेसिटर लगा है उस पर बीप की आवाज देता है। अब देखना होगा जो इसका दूसरा सिरा है ग्राउंड तो नहीं है, देखेंगे हाँ ग्राउंड नहीं है, उसका जो दूसरा सिरा है देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी पर बीप की आवाज देता है, इस तरीके से लगाएंगे, हाँ बीप नहीं देता है, इसके अगल बगल कोई और कंपोनेंट लगा है, अगर इस कैपेसिटर से डायरेक्ट इस पर बीप देता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ कंपोनेंट नहीं लगा है, या हो सकता है ये सीरीज में ना हो, पैरेलल में कंपोनेंट लगी हो सकती है, हमको ट्रेस करके देखना होगा। अगर यहाँ से लगाए और बीप की आवाज नहीं दिया इससे ये पता चल गया कि इसके बीच में और कोई कंपोनेंट है, उसको तलाश करेंगे इस तरीके से, एक कैपेसिटर पर बीप देता है इससे ये पता चल गया कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में झूठा है। अब देखेंगे इसका दूसरा सिरा कहीं ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, अब क्या करेंगे देखेंगे डीसी टू डीसी ऐसी बीप की आवाज देता है, हाँ बीप की आवाज देता है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो दो कैपेसिटर है सीरीज में लगा है यानी बूस्टिंग में काम आएगा, जो डीसी टू डीसी आईसी होगी इंटरनली इसे यहाँ स्विचिंग कराकर यानी इस कैपेसिटर को चार्ज कराकर ऑन ऑफ करके यानी ग्राउंड और पॉजिटिव देकर यहाँ चार्ज कराकर ही जो वीजीएच वोल्टेज बनाना है उस तरीके से बनाएगी। बताएंगे दूसरे पिन पर मल्टीमीटर को बजट रेंज में रखेंगे और देखेंगे इसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट लगा है, इस रजिस्टर पर बीप की आवाज देता है, अब देखेंगे इसका जो रजिस्टर का दूसरा सिरा है कहीं ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ये तो तीन नंबर और दो नंबर पर बीप दे रहा है, इससे यह पता चल जाएगा कि ये जो है एवीडीडी वोल्टेज का मेंटेनेंस वाला सर्किट यही है, इसलिए पता चल जाएगा। अगर ये दो नंबर पिन डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट है, ये कितनी नंबर भी पिन हो अगर डीसी टू डीसी आईसी से ये पिन कनेक्ट है, इससे ये पता चल जाएगा कि जो एवीडीडी वोल्टेज का रास्ता है ये हो सकता है, या हो सकता है कि डीसी टू डीसी आईसी सेंस भी करे यानी दोनों काम कर सकती है, इस रजिस्टर को लगाकर सेंस कराकर उस हिसाब से इस आईसी को ऑन कराएगी, चार्जिंग होगा उस हिसाब से यहाँ बूस्टिंग होकर यहाँ वीजीएच वोल्टेज बन सकता है, सर्किट में अलग अलग सर्किट बनी हो सकती है, उस हिसाब से पता चल जाएगा। उसके बाद दो नंबर पिन पर रखेंगे और देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी पर बीप देता है, हाँ बीप देता है, और उसके बाद देखेंगे तीन नंबर से बीप देता है, नहीं बीप देता है, इससे ये पता चल जाएगा ये एवीडीडी वाला रास्ता है, हो सकता है यहाँ से एवीडीडी वोल्टेज पास कराया जाए, उस हिसाब से यहाँ सेंस करके यहाँ जो गेट होगा गेट को अनेबल कराकर वोल्टेज है यहाँ पर चार्जिंग कराया जाए, और चार्जिंग कराने के बाद उस हिसाब से यहाँ बूस्टिंग कराकर यहाँ वीजीएच वोल्टेज का निर्माण कराया जाए, सर्किट में अलग अलग कंपनी अलग अलग बना सकती है। इसी नंबर पिन पर अगर डायरेक्ट एवीडीडी वोल्टेज नहीं जा रही है तो 100 में से 100% जो एवीडीडी वोल्टेज बनेगा बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा, जब डीसी टू डीसी आईसी के अंदर एवीडीडी वोल्टेज चला जाएगा डीसी टू डीसी आईसी अंदर जाने के बाद क्या होगा उस तरीके से यहाँ एवीडीडी वोल्टेज यहाँ सेंस कराया जा सकता है, हो सकता है कंपनी में अलग अलग सर्किट बनाया हो, अगर आप लोगों को देखने को मिलता है जो एवीडीडी वोल्टेज है डायरेक्ट स्पीड पर नहीं मिल रही है तो 100 में से 100% जो एवीडीडी वोल्टेज होगा हो सकता है यहाँ से सेंस कराया जाए, या हो सकता है एवीडीडी वोल्टेज के द्वारा ही जो इसके अंदर जा रही है हो सकता है एवीडीडी वोल्टेज यहाँ पर न आए, जो कंपनी होगी पैनल के हिसाब से अलग अलग पैनल बनाती है कंपनी, नॉर्मल टीवी हो चाहे स्मार्ट टीवी हो चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, एवीडीडी जो वोल्टेज है अगर 6 पिन आईसी पर डायरेक्ट नहीं जा रही है डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जा रही है, जिस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर उसी हिसाब से सर्किट में मैनेज करके ही इस आईसी को सेंस कराया जाएगा, हो सकता है उदाहरण के तौर पर मानिए यहाँ पर जो एवीडीडी वोल्टेज है बूस्ट वोल्टेज एवीडीडी वोल्टेज बन गया, उसके बाद क्या हुआ डीसी टू डीसी आईसी के अंदर गया और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाने के बाद दो नंबर पिन पर एवीडीडी वोल्टेज आ रही है, उदाहरण के तौर पर मानिए ये रजिस्टर लगा है यानी इस तरीके से रजिस्टर लगाकर जो तीन नंबर है मान चलिए जो आईसी है गेट हो सकता है, जो एवीडीडी वोल्टेज होगा अगर परफेक्ट जो एवीडीडी वोल्टेज बनना है बन रहा है तो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा, जब डीसी टू डीसी आईसी के अंदर चला जाएगा एवीडीडी वोल्टेज तब तक नहीं पास होगा जब तक जो फिक्स वोल्टेज यहाँ आना है आएगा ना, डीसी टू डीसी आईसी सेंस भी कर सकता है तो क्या होगा उस रजिस्टर से यानी जो फिक्स होगा अगर जो वोल्टेज यहाँ आना है उस हिसाब से अगर यहाँ वोल्टेज आता है तो क्या होगा ये गेट अनेबल हो सकता है, क्या होगा जो एवीडीडी जो वोल्टेज होगा यहाँ चार्जिंग हो सकता है, यहाँ से जो बूस्टिंग कराया जाएगा ये एवीडीडी वोल्टेज यहाँ मिलके और ये बूस्टिंग मिलाकर यानी एवीडीडी वोल्टेज प्लस
या बूस्टिंग प्लस मिलाकर या 6 नंबर पिन से बीजीएच वोल्टेज बनाया जा सकता है। इस तरीके से प्रैक्टिकल में लगा हुआ देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आर्क 2 में आप लोगों को पूरा डिटेल ट्रेस करके दिखाएंगे। इसी तरीके से कंपोनेंट लगा हो सकता है, कंपनी जो होगी अपने अपने अनुसार सर्किट बना सकती है। अगर बीजीएच वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमको क्या क्या चेक करना होगा, देखना होगा जो एवीडीडी वोल्टेज है बन रहा है कि नहीं। मान के चलिए अगर एवीडीडी वोल्टेज बन रहा है, डायरेक्ट इस आईसी पर नहीं आ रही है, तो क्या करना होगा, एवीडीडी वोल्टेज चेक करना होगा जहां बन रही है, फिर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जा रही है नहीं, मल्टीमीटर को बजर रेंज में चेक कर लेंगे। अगर इस आईसी पर नहीं जा रही है तो हो सकता है एवीडीडी जो वोल्टेज जा रही है वह ट्रैक डैमेज हो, तब कहां बीजीएच वोल्टेज बनेगा। इस तरीके से ट्रेस करना होगा, जहां एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट होगा वहां से रखेंगे और देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी पर जा रहा है, हाँ डीसी टू डीसी आईसी पर जा रहा है, बूस्टिंग नहीं हो रहा है, हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर वह सर्किट डैमेज हो, किट चले लेकिन वो सर्किट डैमेज हो, कंपनी के हिसाब से अलग अलग सर्किट बनाई हो सकती है, उस हिसाब से सर्किट को हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे। मान लीजिए अगर एवीडीडी वोल्टेज जा रही है तो इस चार्जिंग पंप कैपेसिटर को चेक करना होगा, या सीरीज में लगाने का कंपनी का मकसद सिर्फ ये है चार्जिंग ज्यादा स्टोर करेगा, अगर एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर है तो कम स्टोर करेगा, अगर डबल चार्जिंग पंप कैपेसिटर है तो ये डबल चार्ज स्टोरेज करेगा, उस हिसाब से बूस्टिंग कराकर यहाँ बीजीएच वोल्टेज बनाया जा सकता है। तो इस कैपेसिटर को चेक करना होगा, बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है इस रजिस्टर को चेक करना होगा, पूरी जो सेंस कराने का सर्किट है यही सर्किट है, इसके अंदर और कंपोनेंट लगाकर यहाँ से सर्किट जो होगी डीसी टू डीसी आईसी सेंस करेगी जो यहाँ बीजीएच वोल्ट बनना है बन रहा है कि नहीं, उस हिसाब से देख सकती है, इसको चेक करना होगा। देखना होगा ये कैपेसिटर में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम होगी तभी भी जो मिनिमम जो बीजीएच वोल्टेज बनना है नहीं बनेगी, ये सब हमको देखना होगा। और इस कैपेसिटर में भी देखना होगा कहीं ये शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं ये फ्यूज तो नहीं उड़ा है। इसी में मैं बताना चाहता हूँ थ्योरी जो है थ्री पिन डायोड पर कैसे बनता है, थ्योरी बन चुका है, और थ्री पिन डायोड से प्रैक्टिकली कैसे बनता है बीजीएच वोल्टेज पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं, मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।